दोस्तों, अगर आप भी आइमो चलाते हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी हो सकती है और बहुत ही यूज़फुल हो सकती है, जो आपको कई जगह आपकी इल्सट होने से भी बचा सकती है। जी हाँ दोस्तों, तो देखते रहिए वीडियो को लास्ट तक। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आप किसी से जो है आईमो पे मैसेज करते हैं किसी को, या फिर आप कुछ लिख कर किसी को मैसेज करते हैं, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जब सामने वाला मैसेज, मैं अपने दोस्त के मोबाइल से एसएमएस कर रहा हूँ, तो यहाँ पे अगर गलत हो जाता है तो फिर इसको कैंसिल करो, तो सामने दूसरे वाले की मोबाइल पे दिखता है कि हाँ ये बंदा गलत लिख रहा है, और जो है ये फिर वहाँ से सही कर रहा है, ये बहुत स्लो टाइपिंग कर रहा है। तो इससे वो आपको बोलता भी है कि यार जरा जल्दी लिख, या फिर क्या कर रहा है, क्यों गलत गलत लिख रहा है। तो आप आश्चर्य होता है कि ये सामने वाले को कैसे मालूम मैं क्या लिख रहा हूँ, कैसे लिख रहा हूँ, गलत हो रहा है, सही हो रहा है, या टाइम लग रहा है। तो मैं आपको इसी की एक सेटिंग के बारे में बताने वाला हूँ, जो आपको आईमो में आप सेटिंग करके बहुत ही आसानी से इससे बच सकते हैं, और सामने वाला आपकी गलतियों को देख नहीं सकता है। तो इसके लिए आपको कुछ करना नहीं है, बस सिंपली जो है सेटिंग में जाना है, और एक सेटिंग को जो है वहाँ से जो है आपको ऑफ कर देना है, बस आप जो है बहुत ही आसानी से इस प्रॉब्लम से बच जाएंगे। तो आप चलिए, मैं सेटिंग में जाता हूँ। तो आपको सेटिंग में जाना है, उसके बाद आप एकदम नीचे आ जाइए, यहाँ पे दिया है प्राइवेसी, आप प्राइवेसी पे क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रियल टाइम चैट, आपको बस यहाँ पे जो है ये टिक मार्कों को हटा देना है। उसके बाद देखिए, अब मैं यहाँ से जो है कुछ भी मैसेज करता हूँ तो आपको वो मैसेज शो नहीं होगा, या मेरी मोबाइल में देखिए ये मैसेज शो नहीं हो रहा है। आप आवाज़ सुन रहे होंगे, मैं दूसरी मोबाइल से टाइप कर रहा हूँ। अब देखिए मैं ये मैसेज भेज देता हूँ, देखिए यहाँ पे मैसेज आ गया है, लेकिन पहले से यहाँ पे कुछ भी नहीं आया है। देखिए देखिए ये मैसेज आया, यहाँ पे पहले से कुछ भी नहीं आता है, इससे पहले हम टाइप कर रहे थे तो कुछ इस तरह से हो रहा था। देखिए यहाँ पे जो है अभी ये मैसेज आ रहा है, जो भी मैं टाइप कर रहा हूँ यहाँ पे शो हो रहा है, अभी मैं ये सेंड कर रहा हूँ। तो आपने देखा मैंने क्या किया, एक बार मैं फिर बता देता हूँ, अगर किसी को नहीं समझ में आया है, उसमें बहुत छोटी सी बात है कि हर हर किसी को समझ में आ सकता है। आप बैक हो जाइए, उसके बाद अपना आईमो ओपन कीजिए, उसके बाद आप जो है थ्री डॉट पे क्लिक कीजिए, उसके बाद आप सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है प्राइवेसी, आपको इस पर क्लिक करके उसके बाद इस टिक मार्क को हटा देना है। जैसे ही आप एक टिक मार्क हटा देंगे तो आप किसी से भी चैट करेंगे या तो आपका जो है रियल टाइम चैट आपको वहाँ पर नहीं शो होगा। चलिए मैं यहाँ से हटा देता हूँ, मैं तो हमेशा हटा के ही रखता हूँ, सोचा आप लोगों को भी बता दूँ, हो सकता है किसी 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 को नहीं भी मालूम हो, मैं देख भी रहा हूँ किसी किसी को कि उसकी गलतियाँ मेरे पास शो हो रही हैं। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, सोचा आप लोगों तक शेयर करूँ, आप लोगों को बताऊँ। तो वीडियो को ज़्यादा लंबी ना करते हुए वीडियो को ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड टेक केयर।